हेलो गुड इवनिंग कैसे आप लोग सभी लोग क्या एकदम बढ़िया हैं एकदम अच्छे हैं एकदम शानदार हैं तो चलिए फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देख रहे हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वे, शुरुआत करते हैं आज की क्लास चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग कीजिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है सोल्व करने की इसको कोशिश करना आप लोग करने की कोशिश कीजिए चलिए सभी लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कीजिए पहला क्वेश्चन मैं एकदम ठीक हूं एकदम बढ़िया हूं उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मैं कोशिश करता हूं समझाने की काफी बड़ा क्वेश्चन है देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे कुछ आसान होंगे हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस टाइम यहाँ पर तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये जो अपने पास कोस स्क्वेयर ए है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको कोश स्क्वायर ए बराबर देखिए कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसको साइन में भी हम लोग जल्दी बदल सकते हैं टेन अगर अपने पास है तो साइन में और cos में साइन स्क्वायर को बदलना आसान है इसलिए यहां पर मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं कोश स्क्वायर ए बराबर अपने पास टेन स्क्वायर बी है यहां पर कोश स्क्वायर बी बराबर अपने पास टेन स्क्वायर सी है और यहां पर अपने पास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये कोस स्क्वायर सी बराबर अपने पास टेन स्क्वायर ए है ये लीजिए बिल्कुल ठीक है हमें पूरी क्वेश्चन को एक में बदलना है तो कोस स्क्वायर ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो ये जो कोस स्क्वायर ए है इसकी जगह साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी लिख सकते हो और मुझे बताइए कोश स्क्वायर बी की जो वैल्यू यहां पर है ये क्या अपने पास टेन स्क्वायर सी है क्या तो इस ऊपर वाले को साइन बी को क्या लिख सकते हो ध्यान से समझने की कोशिश करना कोशिण को क्या लिख सकते हो फर? तो आप कहोगे सर वन माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं ऊपर वाला जो अपने पास है वन माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकते हो और उस कोश स्क्वायर बी की जगह आप लोग टेन स्क्वायर सी पुट कर सकते हो ये लीजिए टेन स्क्वायर सी आपने यहां पर पुट कर दिया टेन स्क्वायर सी अपॉन कोस स्क्वायर बी की जगह तो आप लोग क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर सी ये स्टेप मैंने कैसे लिख दी एक एक बात मुझे बताते चलिए क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या ऊपर अपने पास क्योंकि कोस स्क्वायर बी की जगह नीचे तो कोस स्क्वायर बी है ही टेन स्क्वायर सी लिख दिया और ऊपर 1 माइनस कोस ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है और मैं एक स्टेप खा गया हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम लोगों ने ये लिख दिया ऊपर भी मैं टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा ध्यान से सुनना ये अपने पास है स्क्वायर और इसको मैं साइन स्क्वायर लिखूंगा तो ये क्या बन गया स्क्वायर सी माइनस अपने पास साइन स्क्वायर सी ये लीजिए ये अपने पास बन गया है इसके पूरे को मैंने साइन और कोश में बदल दिया और मैंने एलसीएम भी ले लिया है मैंने साइन और कोश में बदला साइन अपॉन कोस साइन अपॉन कोस यहाँ पर ऊपर कोस सल से हम लोग तो की जगह फिर से ध्यान रखना हम लोगों ने क्या कर दिया है की हम लोगों ने लिख दिया है कोश से कोश स्क्वायर कट गया अब जो साइन स्क्वायर सी है मुझे उसकी जगह आप लोग एक बात बताइए कोस स्क्वायर ए बिल्कुल ठीक है साइन स्क्वायर सी की जगह क्या हम लोग वन माइनस कोस स्क्वायर सी लिख सकते हैं क्या तो ये बन गया वन प्लस 2 कोस स्क्वायर सी अपॉन नीचे तो आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर सी ये क्यों लिख रहे हो क्योंकि मैं यहां पर कोस स्क्वायर सी की जगह टेन स्क्वायर ए पुट करूंगा तो ये बन जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए बराबर अपने पास जो बन जाएगा 2 टेन स्क्वायर ए अपॉन माइनस अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मैंने यहां पर क्या किया है कि इस चीज को सी की जगह मैंने वापस से सब जगह टेन स्क्वायर ए लिख दिया हाँ और ना बोलिए एकदम ठीक है क्या मैं स्टेप वाइज बताता जा रहा हूँ पहले भी मैं बोल चुका हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है काफी लेंदी क्वेश्चन है ये वाला तो यहाँ पर मुझे ये बताइए अब आप लोग टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो इसको तो ऑलरेडी आप लोग लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए को तो आप लोग लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इसको तो वन माइनस साइन कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें का मान पूछा है इसकी जगह क्या लिख पाओगे A, से सुनना, अपने पास A, और A, में एलसीएम भी ले रहा हूं और नीचे से भी ऐसे ही कोश स्क्र एलसीय आ जाएगा तो कोस स्क्र ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये अपने पास बन जाएगा हमने क्या किया है टेन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए पुट कर रहे हैं और यहाँ पर टेन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अपॉन कोश स्क्वायर पुट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग एलसीएम भी ले रहे हैं नीचे और ऊपर एलसीएम लोगे तो ये स्टेप बन जाएगी अब यहाँ पर क्योंकि ये जो अपने पास बन गया है वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर अपने पास टू साइन स्क्वायर ए और इसको आप लोग लिख सकते हो वन माइनस कोस साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्र लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो ऊपर तो बन जाएगा थ्री साइन स्क् और नीचे बन जाएगा a. ये लीजिए हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर दिया यहां पर उम्मीद है ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे यहां पर वन माइनस साइन स्क्वायर ए ये अपने पास जो बन गया है ये अपने पास यहां पर जो होगा ये जो होगा अपने पास वन माइनस अपने पास साइन कोश स्क्वायर सी होगा ये ये जो होगा ना साइन स्क्वायर को लिखोगे तो माइनस का वन और साइन स्क्वायर सी ही होगा ये टू यहां पर गलती से आ गया है बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या और टू कोश स्क्वायर सी जो है उसकी जगह हम लोगों ने टेन स्क्वायर ए लिख दिया उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे हा ना बोलिए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे और यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ऐसी एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो साइन का यहां से इसका अगर इससे इंटू करोगे तो साइन की एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी साइन की पावर फोर थीटा माइनस अपने पास थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास वन क्रॉस मल्टीप्लाई करना मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग अगर एक्स मानते हो ध्यान से सुनना साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप लोग एक्स मानते हो तो मुझे बताइए इसको क्या लिख सकते हो एक्स इसको क्या लिख सकते हो 3X, 1 0. तो यहां से अपने पास, क्या मुझे बताओ एक्स का जो मान अपने पास वो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का बी यानी कि अपने पास तीन प्लस माइनस बी स्क्वायर बी यानी कि तीन का स्क्वायर नो माइनस फोर ए सी फोर ए सी ए का मतलब वन है सी का मतलब बी वन है अपॉन अपने पास टू ए तो एक्स का जो मान आ गया है वो क्या थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन अपने वैल्यू तो ले तो ले ले तो चार से बड़ी चली जाएगी जिससे साइन स्क्वायर का मान एक से बड़ा हो जाएगा और ये आप लोगों को याद है कि साइन स्क्वायर का मान जो है वो अपने पास एक से बड़ा होता है नहीं इसलिए इसको क्या लेंगे हम लोग थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन अपने पास टू अचानक साइन स्क्वायर अब मुझे बताइए आपको साइन का मान साइन ए का मान तो आप कहोगे ए, ए है भाई है ना मैंने यहां पर थीटा लिख दिया रियल में ये ए है तो साइन स्क्वायर ए का मान ये है तो ऊपर नीचे इंटू कर दो तो साइन स्क्वायर ए का जो मान होगा वो क्या अपने पास सिक्स माइनस टू रूट फाइव अपॉन फोर क्या ये होगा क्या तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो अपने पास यहाँ से रूट फाइव माइनस वन का होल स्क्वायर है और नीचे वाला चार तो है ही दोनों तरफ रूट करोगे तो ये अपने पास आ गया रूट फाइव माइनस वन अपॉइंट टू कुछ क्वेश्चन क्योंकि मेंस की मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं तो कुछ क्वेश्चन मैं लेंदी लिखता हूँ बीच बीच में उम्मीद है आप लोग समझ नहीं पाए होंगे तो मैं वापिस आपको समझा देता हूँ इनका एक बार थोड़ा सा सही वापिस बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा अपने पास क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नहीं काफी लेन दिए तो कुछ क्वेश्चन बड़े भी करेंगे कुछ छोटे भी करेंगे कुछ में आप फंसोगे भी ऐसा ही होगा कोस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर बी है कोस स्क्वायर बी बराबर टेन स्क्वायर सी है और कोस स्क्वायर सी बराबर टेन स्क्वायर ए है यहां से कोस स्क्वायर ए का जो मान है वो हम लोगों ने लिख दिया है साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी अब हमें पता है क्योंकि बी की जगह तो टेन स्क्की जगह लिख सकते हो वन माइनस की जगह और कोश में बदलोगे तो अपने स्क्वायर की जगह फिर से आप लोग लिखोगे वन माइनस कोश स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कोश स्क्वायर और जहां पर कोश स्क्वायर सी है उसकी जगह टेन स्क्वायर ए टेन को फिर से साइन और कोश में बदलोगे तो ये टेन की ए में बदल गया ये भी ए में ये, भी ये हमें चाहिए था कि पूरी क्वेश्चन ए में बदल गई और उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गया फिर तो क्वारिटी की है अपने पास वैसे ही मैंने करवाया है ये क्या मैं आगे बढ़ू उम्मीद है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये वाला बीच बीच में कुछ क्वेश्चन हम लोग बड़े भी ले लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग मुकेश फिर रूट आएगा वहां पर रूट अपने पास ज्यादा प्रॉब्लम और करेगा वहां पर विदाउट स्क्वायर कर सकते हो लेकिन रूट आएगा रूट ज्यादा आपको प्रॉब्लम और करेगा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवर्ताकार सीट के दो वर्गों में काटा गया है विकर्णों की लंबाइयों का योग तो ये है और उनका गुणनफल ये है दो का अपने पास इसका व्यास अगर ट्वेंटी तो रेडियस अपने अपने पास पास कितनी होगी रेडियस अपने पास 14 होगी रेडियस तो मुझे बताइए इसका एरिया जो होगा वो 14 होता छह सौ सोलह ये टेबल मैंने कहीं बनवाई होगी आपको और उसका आधा ही होगा अपने पास कितना होगा तीन सौ आठ इसके बाद हम लोगों से बोला गया है कि दो जिनके डायगनल का जो सम है डी वन प्लस डी टू दो चीजों को जोड़ने पर तो थर्टी टू आए और इंटू करने पर अपने पास दो सौ बावन है डी वन इंटू डी टू बराबर टू फिफ्टी टू आए तो आप लोग इन संख्याओं को यहाँ पर बीस और बारह होगा क्या क्या उन्नीस और ग्यारह उन्नीस और तेरह होगा क्या क्या एटीन और फोर्टीन होगा क्या अठारह और फोर्टीन को अगर इंटू करोगे तो अठारह और फोर्टीन को जोड़ने पर तो ये आ रहा है वही यही सोच लो आप लोग और एटीन और फोर्टीन को इंटू करने पर अपने पास ये बन जाएगा अठारह गुना चार बहत्तर अठारह और पांच बिल्कुल ठीक है तो दो स्क्वायर काट कर बाहर निकाल लिए जिनके डायगोनल हम लोगों को दिए और मैं तो मुझे बताइए कि सी स्क्वायर का डायगोनल अगर आपके पास है तो उसका एरिया कितना होगा तो आप कहोगे सर हाफ ऑफ डी स्क्वायर हाफ ऑफ डी स्क्वायर अठारह का स्क्वायर तीन सौ चौबीस और दूसरा होगा आपने पास दूसरा कितना होगा हाफ ऑफ डी स्क्वायर और इसका स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स चाहो तो दोनों को वही आधा कर सकते हो चाहो तो हाफ को दोनों को कॉमन ले सकते हो वो आपकी मर्जी है तो अपने पास तीन और एक चार यानी कि पांच हो जाएगा बट्टे दो तो जो दो काट कर बाहर निकाले उनका एरिया कितना है दो टोटल अपने पास ये जो थी इसका एरिया 308 है जो काट कर बाहर निकाल लिया उसका एरिया 260 है तो आप लोग माइनस अगर करोगे 260 तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो मुझे बताइए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये आपका आंसर होगा बोलो बिल्कुल ठीक है क्या अपने पास ध्यान रखना सर्किल की रेडियस अगर सात है तो एरिया होता है 154 ये टेबल आपको पहले से याद होगी अपने पास अगर 14 है तो अपने पास रेडियस अगर 14 है तो अपने पास होता है 616 रेडियस अगर अपने पास 21 है तो अपने पास होता है वन थ्री एट सिक्स ये एरिया हम लोगों ने रट रखा है ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच सके थर्टी फाइव तक की रेडियस का हम लोगों के पास चौबीस चौसठ होता है अड़तीस पचास होता है पचपन चौवालिस होता है ये आप लोग समझ पाए होंगे संजय मीना हाफ कहां से हाफ फॉर्मूला होता है किसी भी स्क्वायर का डायगोनल अगर आपके पास है ये एक स्क्वायर है इसका विकर्ण अगर फोर्टीन है तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर ये फॉर्मुले में है साइड देकर अगर एरिया पूछे तो साइड स्क्वायर होता है और डायगोनल देकर अगर पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर होता है ये अपने पास होगा एक सर्किल में से दो स्क्वायर काट कर बाहर निकाल लिया से सीट का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है तो पहले टोटल का एरिया निकाल लिया दो चीजें काट कर जो बाहर निकाली उसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है और अपने पास आंसर आ गया है करते चलिए बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा कुछ जो क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेटिक्स के डाल रहा हूं तो इसको ये तो आसान क्वेश्चन है माध्य जब भी आ जाए तो आप लोग हमेशा मीन सोचना ध्यान रखना माध्य अगर कभी भी आपके पास आ जाए तो हमेशा मीन सोचना आप एवरेज सोचना है मतलब Mean, अगर नाम आए तो एवरेज सोचना है इफ द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऐसा तो शुरुआत में जो मीन है वो अपने पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स फोर यहाँ पर अपने पास एक्स टेन तक इनका जो मीन या एवरेज है वो फिफ्टी है अब अगर आपने पहले नंबर में तो पांच जोड़ा है यहाँ पर पहले नंबर में यदि आप लोगों ने फाइव ऐड किया है दूसरे नंबर में आपने टेन ऐड किया है तीसरे नंबर में आपने फिफ्टीन ऐड किया है चौथे नंबर में आपने यहां पर X 10 प्लस आपने पर प्लस ऐड किया है, तो मुझे बताइए इसका माध्य क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछा गया है तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बने तो आप लोग क्या करोगे आप लोग यहाँ पर इनका मीन तो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इनका मीन था इसमें जोड़ा कितना पांच यहाँ पर दस यहाँ पर तो टोटल कितना जोड़ दिया तो आप लोग अगर कभी भी सीरीज को ऐड करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करोगे टू से और इनटू कर दोगे नंबर ऑफ टर्म से दस से तो यहाँ पर टोटल जो आपके पास ऐड हुआ है वो मुझे बताइए पचास और पांच अपने पास ये क्या टोटल दो सौ पिछहत्तर हुआ है क्या तो यहाँ पर टोटल 275 है और अगर एवरेज में आपको इफेक्ट डालना है पहले एवरेज इतना था अब ये तो टोटल है दो तो अगर एवरेज में आप लोग ये टोटल नहीं जोड़ सकते याद रखना एवरेज में हमेशा एवरेज ही जोड़ना पड़ेगा तो ये जो नए नंबर आपने जोड़े इनका एवरेज कितना होगा तो 275 को डिवाइड कर दोगे अगर आप लोग 10 से तो ये आ जाएगा 27.5 नया जो एवरेज बढ़ा वो पॉइंट पहले 50 था एवरेज में जो बढ़ा उसका भी निकाल लिया है तो आंसर आ गया 77.5 ये अपना आ गया है ऑप्शन नंबर ए बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे यहाँ पर अवलोकन यहां से ध्यान से सुनना अगर कभी भी सीरीज अपने पास ऐसे हो सात फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट तो यहां से अगर कभी भी इनका सम आपको निकालना है तो हमेशा याद रखना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करते हैं टू से और इनटू करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से अगर कभी भी डिफरेंस सेम था तो और ये याद रखना ये तो सम का फॉर्मूला होता है और ये यहाँ से डिफरेंस अगर सेम है तो बट्टे में दो ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला होता है तो इनटू टू दस करके वापस दस का भाग देना जरूरी था ही नहीं अगर आप लोग यहाँ पर पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस जोड़ते हो तो ये जो नया जो जुड़ा उसका एवरेज कितना होगा तो पांच और पचास को ऐड करके दो का भाग दे दोगे क्योंकि एवरेज में जोड़ना तो आपको एवरेज ही है तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव ये जो आया है ये डायरेक्ट सीधा भी आप लोग सोच पाओगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड करते हैं इस चीज को टू से ये चीज उम्मीद है हाँ आप लोग कर पाओगे कर पाओगे तो क्वेश्चन नंबर एटी फोर आपकी स्क्रीन पर आ गया है उसको आप लोग करने की कोशिश करो चलिए सोल्व कीजिए हां आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर एटी फोर का। कांत बीट ये तो आसान क्वेश्चन है भाई मैं करवा देता हूं समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि समांतर चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई क्रम से चार सेंटीमीटर हो और डायगनल अपने पास आठ हो ये आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर अपने पास पैरलोग्राम जो होता है उसका जो डायगनल होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है इसका जो डायगोनल होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है एक तो चार है एक छह है और ये अपने पास आठ है तो हम लोग क्या करेंगे ये एक स्केलन ट्राइंगल बन गया और इसका एरिया आप लोग निकाल लीजिए जो एरिया अपने पास इसका होगा उसको डबल कर दोगे तो अपने पास यहां से आंसर आ जाएगा तो आठ है छह है और चार है तो मुझे ये बताइए आपको एरिया निकालने का तरीका याद है क्या एक तो होगा एस एस यहाँ पर तीनों को जोड़ के आप लोग डिवाइड करोगे अगर दो से तो वो आ जाएगा अपने पास नौ और यहां पर होता है एस एस माइनस ये एस माइनस अपने पास तीन एस माइनस बी करोगे तो एक और एस माइनस सी करोगे तो पांच नो का रूट होता है तीन तो क्या थ्री रूट फिफ्टीन आ गया आधे भाग का एरिया अगर थ्री रूट फिफ्टीन है तो आप लोग इनटू कर दोगे अगर दो से तो टोटल भाग का जो एरिया आ गया वो क्या सिक्स रूट फिफ्टीन सी अपने पास आंसर आ गया है क्या इसको तो आप लोग सोल्व कर पाए हैं क्या बताइए मुझे आधे का एरिया दिया हुआ है टोटल का एरिया आप लोगों से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग सोल्व कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर एटी फाइव बिल्कुल ठीक है आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलना का जग कॉफी से भरा है और इस जग में कॉफी को कुछ कपों को डाला गया है एक छिनक के आकार के हैं एक फ्रस्टम के आकार के है, है ध्यान रखना तो अपने पास यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए ऊपरी त्रिज्या अपने पास ये है जो कप है वो फ्रस्टम जैसे है ऊपर वाली त्रिज्या आप लोगों को दी हुई है नीचे वाली त्रिज्या आपको दी हुई है ऊपर वाली जो रेडियस है वो अपने पास दी हुई है दो नीचे वाली रेडियस जो दी भी है वो दी भी आपके पास चार ये अपने पास चार है ये आपके पास दो है और यहां से इसकी जो ऊंचाई है वो अपने पास कितने सेंटीमीटर है वो अपने पास होगी चार यहाँ पर ऐसे कितने कप जग से कॉफी से भरे जा सकते हैं ये हम लोगों से पूछा गया है फोर्टीन सेंटीमीटर ऊंचाई है और आठ सेंटीमीटर तिरजा वाला एक बेलनाकार जग कॉफी से भरा हुआ है इस जग से कॉफी के कुछ कपों को डाला जाता है और छेनक क्या आकार के होता है तो ध्यान रखना इसको एक कॉफी को इसी से भरा है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर इसका वॉल्यूम होगा पाई पाई का मतलब 22 बटे सात या पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आठ का स्क्वायर अपने पास होगा आठ गुना आठ ही लिखते हैं क्या पता कभी कट जाए बाद में इनटू अपने पास यहाँ पर एच एच है अपने पास फोर्टीन सेंटीमीटर इस मग को जो अपने पास एक सिलेंड्रिकल मग है इसको किससे भरा है उसने इसने इससे भरा है और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना फर्स्ट टर्म से जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आज तक जितने भी क्वेश्चन हैं, वो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हैं सीधे सीधे उसको आप लोग याद रखना यहाँ पर जितने क्वेश्चन अपने पास यहाँ ये यह जो है वो आप लोग याद रखा करो कि अपने पास फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन यहां से आएगा और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आपको याद है क्या यही लिख देता हूं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूलाई आर स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह दो का स्क्वायर चार और अपने पास आठ इंटू हमारे पास एच एच कितना है चार और ऐसे मान लो एन एक का वॉल्यूम ये है और ऐसे एन कप से मान लो ये भरा गया है इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है पाई एक बटे तीन भी लगता है क्या Three, उधर मैंने नहीं लगाया अभी लगाता भी होता है, याद रखना आप लोग तो यहां से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं मुझे ये बताइए पाई से अपने पास पाई कट गया है अपने पास चार से ये कट गया है कितनी बार दो बार और यहाँ पर ये कितना है बीस और चार अट्ठाईस फोर्टीन से ये मुझे बताओ अट्ठाईस का दो बार कट जाएगा क्या और दो से दो इस तीन का इधर इंटू करोगे तो एन का जो मान आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा ट्वेंटी फोर ऑप्शन आ गया है, बी ये अपना आंसर है बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म का एक तो अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास ये होता है इसके कार सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा वो मुझे बताइए तो पाई आर प्लस आर इंटू एल ये इसके कार सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा पाई उसके लिए आर स्क्र प्लस आर स्कू आर आर प्लस आर इंटू एल ये आप याद रखिए और इसके हाइट का जो फॉर्मूला होगा स्लॉन्ट हाइट का फॉर्मूला वो अपने पास होता है एल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर ये इसके इतने फॉर्मुले हैं तीन चार फॉर्मुला है इसके टोटल इन चीजों को आप लोग याद रखना इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है उम्मीद है पहले से आप लोगों को याद होंगे ये चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 86 कुछ क्वेश्चंस आपको है करने के बाद लगेगा ये तो आसान है घबराना बिल्कुल नहीं है जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स तो आपको कोई भी ऐसा ही मेंस में होगा कोई क्वेश्चन आपको अचानक से आएगा डरा देगा लेकिन उससे घबराना मत बस आप तो कोशिश करना क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे घबराहट मत करो भाई अभी तो हम लोग क्वेश्चन ही यहां पर कर रहे हैं इसमें क्यों घबराहट हो रही है आपको ये घबराहट ही रुकेगी इसी के लिए होता है प्रैक्टिस 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 करते जाओ घबराहट रुक जाएगी हाँ राहुल वो मैं शाम को पढ़ाता हूँ भाई सिक्स टू सेवन थर्टी उसमें बेसिक टू हाई लेवल अभी लेकिन उसमें चल रहा है अरिथमेटिक नीचे दी गई आकृति में बाह्य व्रत का व्यास है और डी टू तीन अर्धव्रत के व्यास है ठीक है प्रत्येक का व्यास डी टू है ध्यान रखना इन द गिवन फिगर ब्लो डी वन इज द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्किल वेल डी टू इज द डायमीटर ऑफ द थ्री सेमी सर्किल ऑफ ईच ईच का डी टू है ऐसा इसको देना चाहिए ऐसे बिना मतलब ही इतना बढ़िया डायग्राम ये बना रहा है इसका प्रतीक का रेडियस ये है और इसकी जो रेडियस होगी वो d1 वन बाई होगी बिल्कुल ठीक है द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन इज थ्री बाई एट ऑफ द एरिया ऑफ द अनसेडेड रीजन देन फाइंड द रेशियो ऑफ d1 d2 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए छाइंकित भाग का क्षेत्रफल का तीन बट्टे आठ गुना है मुझे बताओ इस बताओं भाग का क्षेत्रफल कितना होगा तो एक अपने डी वन स्क्वायर डी वन है डी टू है डी तो टू है पाई डी टू स्क्वायर अपॉन अपने पास फोर ये अपने पास सर्किल का एरिया हो गया एक सर्किल का एरिया होता है लेकिन यहाँ पर आधा सर्किल है तो यहाँ पर डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग दो से और ऐसे हैं कितने तो ऐसे हैं अपने पास तीन ये लो ये रीजन का अपने पास एरिया आ गया है बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या बताओ मुझे ये जो अपने पास है d2 टू अपॉन टू एक सर्किल की जो रेडियस डायमीटर d2 है तो रेडियस होगी d2 टू बाई टू और एक सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन टू ये चार इसलिए आया है कि d2 टू अपॉन टू है तो इस टू के कारण ये अपने पास फोर बन गया आधा सर्किल है और ऐसे तीन है टोटल आपने पास ये तो आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल और टोटल के एरिया में से अगर इस सेडेड पार्ट का एरिया माइनस कर दें टोटल सर्किल का एरिया कितना होगा पाई डी वन स्क्वायर अपॉन अपने पास फोर और उसमें से ये अगर माइनस कर दो थ्री अपॉन एट पाई डी टू स्क्वायर तो अपने पास अनसेडेड रीजन का एरिया जाएगा और इन दोनों का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है थ्री बाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा ऊपर नीचे इंटू कर दूंगा दो से तो ये दो से इंटू करते ही नीचे आठ बन गया तो ऊपर भी एल्शियम अपने पास आठ आ रहा है नीचे भी एल्शियम आठ आ रहा है बात यहाँ पर खत्म हो गई है यहां से पाई कॉमन आकर पाई यहां से यहां से और यहां से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा थ्री डी टू स्क्वायर और नीचे अपने पास बनेगा टू डी वन स्क्वायर टू डी वन स्क्वायर माइनस थ्री डी टू स्क्वायर बराबर अपने पास है थ्री अपॉन एट थ्री अपॉन अपने पास एट है क्या मुझे ये देख बताइए क्या थ्री से थ्री कट रहा है क्या आपको भी बिल्कुल कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एट डी टू स्क्त बराबर अपने पास ये जो होगा अपने पास टू डी वन स्क्वायर ये लीजिए माइनस थ्री डी टू स्क्वायर ये लीजिए थ्री डी टू इधर लाओगे तो अपने पास बन जाएगा इलेवन डी टू स्क्वायर बराबर अपने पास यहां से टू डी वन स्क्वायर तो मुझे बताओ डी वन स्क्वायर अपॉन डी टू स्क्वायर बराबर क्या अपने पास यहां से डी टू स्क्वायर बराबर के ग्यारह बटे दो आ जाएगा क्या और डी वन और डी टू का रेशियो अगर पूछा है तो रूट इलेवन और रूट टू ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या यहां से अपने पास ये जो है d2 अपने पास 11 ये तीन और आठ ऐड करोगे तो भाई 11 हो जाएगा ये अपने पास डे वन सोल्व कर लिया आंसर आ गया कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और याद रखना मेंस देने बैठोगे तो उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सोचने पड़ेंगे टोटल का 11 नहीं ले सकते क्या नीचे 11 तो ऐसे तो ले सकते हो नहीं नहीं ये इसने कहा है कि टोटल के साथ अपने पास यहां पर टोटल के साथ 11 भी ले सकते हो ऊपर वाला है टोटल तीन और आठ ग्यारह ले लो उससे भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई टोटल के साथ अगर लेना चाहते हो तो छाया और अचाअ का ले लिया वो भी आप कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो तीन और आठ टोटल का कितना हो जाएगा ग्यारह उससे अपने पास ज्यादा बढ़िया है वो तरीका और बढ़िया है मेरे दिमाग में तो आया नहीं वो तरीका ज्यादा ठीक है ऊपर अपने पास छायांकित भाग का ले लो और नीचे टोटल का ले लीजिए भाई ये अपने पास थ्री पाई ये मैंने डी टू स्क्वायेर अपोन जैसे बोल रहा था वैसे ही मैंने कर दिया है अपॉन नीचे पाई डी वन स्क्वायर अपॉन अपने पास यहाँ पर फोर और बराबर जो अपने पास होगा वो तीन और टोटल ग्यारह के साथ ले लो ये तीन है या आठ टोटल ग्यारह के साथ ये तरीका ज्यादा बढ़िया है और सुंदर है भाई मेरे वाले से भी अच्छा तरीका है ऐसे करना ये ज्यादा ठीक है क्या बताइए ठीक है क्या नाना विपिन कुछ डिलीट नहीं करवाता भाई मैं तो बाकी जो भी प्रॉब्लम आपको है एक नंबर दिया हुआ उस पर आप एक बार कॉल किया करो तो इस टाइम आप लोग क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन नंबर 87 ये आप लोगों से होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से ये वाला क्वेश्चन कोस ए का मान दिया हुआ तीन बटे चार और आप लोगों से पूछा है साइन ए बाई टू और साइन थ्री ए बाई टू चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए मिल जाएगा वो क्योंकि नंबर है तो उस पर ज्यादा ही कॉल आते रहते हैं भाई थोड़ी कोशिश करोगे लग जाएगा तो देखिए अपने पास कोस ए बराबर एक चीज आप लोग ध्यान रखना कभी भी अगर इसके साथ फॉर्मूला ये हो टू कोस टू साइन एक्स साइन वाई ये फॉर्मूला कभी भी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है दो हजार सत्रह में बहुत क्वेश्चन आए थे तो यहाँ पर होना चाहिए माइनस का साइन तो ये फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई इसका फॉर्मूला ये अपने पास है कभी भी साइन इंटू साइन आ जाए कोस इंटू कोस आ जाए ये चीज याद कर लो याद करके बैठ जाओ साइन इंटू साइन कोस इंटू पहले साइन बाद में कोश हो सकता है पहले कोश बाद में साइन हो सकता है तो उसके साथ टू चाहिए और यहां पर अगर माइनस नहीं है तो फिर ये वाला होता है माइनस का और ये वाला होता है प्लस का इसके साथ टू नहीं था तो दो से हम लोगों ने इंटू किया और दो से साथ डिवाइड कर दिया खुद की तरफ से तो एक बटे दो और ऊपर वाला जो फॉर्मूला बन गया वो अपने पास बन गया माइनस कोस एक्स प्लस वाई दोनों को अगर जोड़ोगे कोस एक्स प्लस वाई तो दोनों को इन दोनों को अगर जोड़ोगे एंगल्स को तो यहां पर मुझे बताओ a बाई टू प्लस अपने पास थ्री ए बाई टू को अगर जोड़ते हो आप लोग तो क्या अपने पास यहां से टू ए आ जाएगा क्या तो ये तो हो गया कोस टू ए यहाँ पर आगे वाला होगा cos एक्स माइनस वाई तो ध्यान रखना अब आप लोग जब तक दो चार बार क्वेश्चन नहीं लगाओगे फॉर्मूला तब तक आपको डराएगा वहां पर फॉर्मूला कहेगा यार cos एक्स माइनस इसमें से घटाऊ या इसमें से घटाऊ लेकिन एक बार जब ट्वीचन कर लेते हो तो आपको पता लगता है यार किसी में से कोई सा भी घटा लो कोस का माइनस पर कोई फर्क पड़ता है ही नहीं कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा ही होता है उम्मीद है ये चीज आपको पता होगी तो घटाओगे हो अगर आप लोग ए बाई टू अगर घटाते हो तो ये अपने पास बनेगा कोश है कोश ए की जो वैल्यू है वो आप लोग क्या लिख सकते हो बाहर माइनस तो है ही तो इसका फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन भी आप लोग लिख सकते हैं लेकिन बाहर माइनस है तो ये तो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का प्लस अपने पास यहाँ पर चल ही रहा है तो 2, तो मुझे बताइए स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू कितनी पुट करोगे आप लोग तो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मुझे ये बताइए क्या अपने पास नाइन बाई सिक्सटीन होगी क्या आप कहोगे जरूर होगी प्लस अपने पास वन है और कोश ए का जो मान है वो कितना होगा अपने पास तीन बट्टे चार देखिए दो से कट गया है अपने पास आठ बार वन बाई टू अपने पास LCM अपने पास आ जाएगा आठ ये है अपने पास माइनस टू ये अपने पास आठ है और ये अपने पास 6 है तो आंसर जो इसका आ गया बटे का मतलब 16, और ये अपने पास आंसर आ गया और मैं वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एस एस में आ सकते हैं भाई आपको जस्ट मेन से पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बिना मतलब के जिसको करते चलो करते चलो करते चलो लेकिन उससे आप डर जाओगे से जस्ट पहले मैं उस टाइप के क्वेश्चन शुरू हो आप कहोगे सर लेवल थोड़ा और बढ़ा दो मैं इस चीज को और इंक्रीज कर दूंगा लेकिन इस लेवल पर तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इस चीज को आप लोग ध्यान रखना ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो नहीं तो बड़े बड़े क्वेश्चन में फिर स्पीड गिर जाएगी कोई ज्यादा फायदा नहीं एक लेवल मतलब यहां तक मेन्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर थोड़ा सा और बढ़ा दो तो हम लोग और बढ़ा देंगे क्योंकि उससे कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग तो ये तो क्वेश्चन आसान है कि इसको आप लोग कर पाएंगे क्या वन प्लस टेन स्क्र अल्फा प्लस इसका जब होल स्क्वायर आप लोग खोलोगे बीच बीच में आसान क्वेश्चन अपने पास यहां पर खोलोगे तो टेन आप आप स्टेप स्क्या करो आपको पता है टू टेन स्क्वायर अल्फा टू टेन स्क्वायर बीटा यहाँ से भी आएगा यहाँ से वो कटेगा तो खा जाओ उस स्टेप को जब आपको पता लग गया कि कटेगा तो लिख कर काटने में इतने मजे मत लो आप यहाँ पर काट दिया करो पहले ही दिमाग में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा ये जब आप लोग इनटू करोगे तो अपने पास ये सेम टू तो सेम यहां पर आ जाएगा one से one कटेगा ये जब आप लोग सोल करोगे एक स्टेप लिख देता हूं ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को दिखना शुरू हो टेन स्क्वायर बीटा प्लस अपने पास टेन स्क्वायर अल्फा अपने पास टेन स्क्वायर बीटा जब आप लोग यहां से माइनस करोगे तो माइनस का वन माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा माइनस का टेन स्क्वायर बीटा और माइनस का अपने पास टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा तो अपने पास सारी चीजें कट गई हैं तो आंसर कितना आ गया जीरो ये तो सभी ने कर लिया होगा आप लोगों ने बोलिए ठीक है क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा चलिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन बिल्कुल मीना चार तारीख से पांच तारीख से टॉपिक वाइज भी एक बार पूरा का पूरा कोर्स क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है कुछ नहीं आए तो मैं टॉपिक वाइज भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाते चलूंगा जिससे आपका बेसिक जो है वो अपने पास क्लियर हो जाए पीडीएफ में हाँ कृष्णकांत बिट ये बार चार्ट दिया हुआ नहीं था उन्होंने पहले अपलोड कर दी थी ये मैंने क्वेश्चन देखा और फिर पता लगा कि यार ये तो वैसे ही क्वेश्चन ऐसे तो कैसे होगा तो ये बार चार्ट उसमें ये दिया हुआ नहीं था वो गलती से आपकी तरफ अपलोड हुआ है उसमें कर लीजिए इसको ठीक से डिफरेंट नहीं है राहुल सिंह बस ये आपको ये जो चार्ट है ये दिया हुआ नहीं है इसको कर लीजिए आप आर गुप्ता मेरा बैच शुरू होगा 9 तारीख को जिसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो फुल हो जाएगा जल्दी ही तो आप एक दो दिन में उसमें रजिस्ट्रेशन करवा देना जिसका भी भाई करवाना है आपको ये देखिए मार्केट प्राइस ऑफ डी इज 20% लेस देन दैट ऑफ ए यहाँ पर डी का अंकित मूल्य ए के तुलना में 20% कम है चार अपने पास यहां पर बार ग्राफ शो दैट टू सक्सेसिव डिस्काउंट अलाउड ऑन द फोर डिफरेंट आर्टिकल्स चार आर्टिकल हैं ए बी सी और डी और सक्सेसिव डिस्काउंट दस और बीस पंद्रह और पांच पांच और दस और दस और पांच वो दे रहा है तो डी का अंकित मूल्य ए की तुलना में बीस परसेंट कम है एक ए है और एक डी है ये अगर सौ रुपए का है तो ये अपने पास कितने का होगा अस्सी का यहां से अपने पास दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग ये है डी पर अपने पास हानि 20% परसेंट ए पर लाभ 20% परसेंट डी से ए के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए तो धन से सुनना आप लोग ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये जो अपने पास है यहाँ से कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही पूछा है तो यहाँ पर डी पर तो हानि है बीस परसेंट की और ए पर लाभ है ठीक है ए पर दो डिस्काउंट है पहला दस का और दूसरा बीस का सक्सेसिव डिस्काउंट है पहले दस की अगर छूट देते हो तो मुझे बताइए इसका दस परसेंट अपने पास दस होगा तो दस परसेंट दस होगा तो नब्बे दूसरी जो छूट है वो अपने पास मिल रही है बीस परसेंट की तो इसका बीस परसेंट जो अपने उम्मीद है दूसरे की अगर मैं बात करूं डी की बात करूं पहले बीस छूट है तो अपने पास एटी का अगर ट्वेंटी आप छूट देते हो तो एटी का ट्वेंटी परसेंट तो यहां मिलेगा हम लोगों को कितने का ये मिलेगा सिक्सटी का दूसरी जो छूट है वहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो पांच परसेंट है तो इसका पांच परसेंट जो होगा वो थ्री पॉइंट टू तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो थ्री पॉइंट टू अगर माइनस करोगे तो सिक्सटी पॉइंट ये इनके सेलिंग प्राइस आ गए हैं लेकिन इसने कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है ए पर लाभ है बीस ए पर प्रॉफिट बीस है तो पांच का खरीद के छह का बेचेगा तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो सेवेंटी जो वैल्यू है छह की है और इन कर देंगे हम लोग पांच से बिल्कुल ठीक है ऐसे इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इस पर लॉस है बीस परसेंट का बीस परसेंट का लॉस है तो सिक्सटी पॉइंट एट जो है वो मुझे बताइए वैल्यू कितने की है चार की और गुना कर देंगे पांच से तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या ये चीज आपको आती है क्या और बहुत सारे बच्चों ने बताया जैसे उन्नीस अनुपात पंद्रह इसके बाद तो इसको सोल्व करना है जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको तो फिर सोल्व कर पाओगे यहाँ पर छह से कट रहा है ट्वेल्व टाइम और बारह से बारह पंजे अपने पास साठ हो गया है पांच से ये पांच अपने पास कट रहा है ये लीजिए ये आठ से अपने पास कट जाएगा कितनी बार पांच बार कट जाएगा और ये आठ से ऊपर वाला आठ सात छप्पन और आठ सात छप्पन अपने पास और आठ गुना छह अड़तालीस अपने पास चार से तीन बार और चार से उन्नीस बार तो पांच इधर आ जाएगा तो आंसर कितना आ गया पंद्रह अनुपात उन्नीस ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी उम्मीद है समझ पाए होंगे ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हो भी जाते हैं और जो नहीं भी होते दोनों ही चीजें होती है मतलब सोचना पड़ता है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं है पढ़ना पड़ता है अच्छे से क्वेश्चन और मेन्स में ऐसा ही लगेगा आपको पढ़ाता हूं विक्रम अगले वीक से बुधवार से मैं आपको चार तारीख से पढ़ा दूंगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 90 करने की कोशिश करो जितेंद्र ये तो अपने पास रियल में देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है या तो इसको एक बार वापस देख लेना या पूरे को ही आप खुद करने की कोशिश करोगे हो जाएगा भाई बिल्कुल ठीक है कोशिश कीजिए सभी लोग सोल्व करने की और आपसे सोल्व होना चाहिए यहां पर ट्राइंगल ए बी और सी में एक अनुपात दो अनुपात तीन है संगत बुझाए किस अनुपात में होंगी तो छह कमान एक सौ अस्सी डिग्री है यह अपने पास छ का मान अगर एक सौ अस्सी डिग्री है तो एक कोण तो होगा अपने पास तीस डिग्री क्योंकि छ का मान एक सौ अस्सी डिग्री है तो एक कमान कितने डिग्री आया थर्टी छह कहां से आया इनको जोड़ दिया है इसका दो का मान कितना होगा साठ और तीन का मान कितना होगा नब्बे और जब भी अपने पास ऐसा हो ठ है और अगर नब्बे हो तो ये चीज वैसे आपको पता होनी चाहिए जब भी आपने पास थर्टी सिक्सटी और नाइन्टी अगर कभी भी हो तो यहाँ पर ये अगर एक होगा तो ये रूट थ्री होता है और नब्बे थर्टी डिग्री के सामने वाली साइड की डबल होती है तो अपने पास रेशियो जो आ गया वन रूट थ्री और टू ये अपने पास आंसर आ जाएगा या आपको अगर मेथड से करना है तो इसके लिए साइन रूल होता है ए अपॉन साइन है अगर ए बी सी का वैल्यू आपको निकालनी है तो ए अपॉन साइन b बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी ये अपने पास इस प्रकार से ये फॉर्मुला है साइन रूल है तो ए अपॉन साइन थर्टी बी अपन साइन सिक्स करोगे तो ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा यहाँ पर साइन थर्टी का मान एक बटे दो साइन सिक्सटी का मान रूट थ्री बाय टू और साइन नाइनटी का मान अपने पास एक तो वन रूट थ्री और टू ये तो अपने पास मेथड हुआ अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री मुझसे कभी भी पढ़े हो या कहीं भी पढ़े होंगे तो उसमें फैकल्टी आपको जरूर याद करवाता है कि 1 √3 और ये अपने पास 2 होगा बोलिए ठीक है क्या यहां पर तो नहीं होता तो अपने पास ये रहा a sin a b upon sin b c upon sin c नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा चलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे इस टाइम आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का विवेक जैन वो ऑफलाइन ही पूछिए भाई यहां पर क्योंकि मैं इंक्वायरी नहीं दे सकता भाई मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ वो सारी चीजें वहां का मदर्स का नंबर निकालिए थोड़ी मेहनत कीजिए जो कि आपको खुद करना पड़ेगा यहाँ पर ये एक घनीय लकड़ी के गुटके के एक फलक से एक अर्ध अर्धगोलाकार अवनमन यानी अंदर की तरफ से काटा गया ये लैंग्वेज ही ऐसी है वहां फंसना मत सीखने की कोशिश करना अर्ध गोले का व्यास एक घन के किनारे के बराबर है

उसके बराबर को हम लोगों ने काट कर बाहर निकाला यहां से ये जो है यहां से साइड अगर एल है तो हम लोगों ने इसी रेडियस का इसी का इसी का इसी इसी डायमीटर डायमीटर से 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 पूरे में एक अंदर की तरफ काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है बोलिए एकदम ठीक है क्या तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तो कुछ बच्चे इस चीज को ऐसा सोचते हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना कुछ जो बच्चे होते हैं वो इस चीज को इस टाइप से सोचते हैं कि जरूर अपने पास यहाँ पर टोटल पांच फेस का एरिया निकाल लो ऊपर वाला जो फेस बनेगा वो इस टाइप से बनेगा ध्यान रखना तो अपने पास पांच के फेस में एरिया में से आप लोग यहाँ पर क्या करोगे टोटल इस एक सर्किल का एरिया माइनस करोगे क्योंकि यहाँ पर ऊपर पांच फेस तो होंगे ही होंगे उनका तो टोटल सरफेस एरिया में पार्ट आएगा आए ही आएगा लेकिन ऊपर से देखोगे तो ऐसे नीचे गड्ढा मिलेगा आप लोगों को तो इस वाले भाग का एरिया भी आप लोगों को फिर जोड़ना पड़ेगा तो टोटल के छह में से एक सर्किल के एरिया में से एक स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया तो आपको माइनस करना पड़ेगा और जो गड्ढा हुआ उसका क्षेत्रफल आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा लेकिन हमेशा ध्यान रखना ऐसा सोचने के बजाय आप लोग क्या करोगे एक चीज एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं जब भी काटकर हम लोग बाहर निकाले उसको हमेशा ऐसे करना आप लोग यहां पर अपने पास जब भी आप लोग जो ओरिजिनल आकृति उसका टोटल सरफेस एरिया लिख लो टोटल सरफेस एरिया लिख दो सिक्स इंटू ए स्क्वायर और एक तरफ आप लोग लिख लो जो आकृति काटकर बाहर निकाल रहे हो उसका टोटल सरफेस एरिया ये लो ये लिख दिया यहां पर अपने पास ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है जो ओरिजिनल आकर उसका लिख लो जो काट कर बाहर निकाल रहे हो उसका लिख लो मुझे बताइए इसके साथ कितने सर्किल का एरिया बाहर जाएगा तो क्या एक सर्किल का एरिया बाहर चला जाएगा क्या ऊपर वाला एक सर्किल का एरिया बाहर जाएगा वो तो माइनस करो पाई आर स्क्वायर टोटल था कितना तीन सर्किल का एरिया था एक बाहर गया तो बचा कितना दो जो बचा हुआ है उसको आप लोग जोड़ दीजिए ये लो आंसर आ गया रेडियस तो यहां से खुद को लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसका डायमीटर अगर एल है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी अपने पास एल बाई टू होगी इसकी जो अपने पास रेडियस होगी वो एल बाई टू होगी आंसर आपके पास आ गया आपको कोई चीज ये नहीं सोचनी पड़ेगी कि छ में से पहले एक स्क्वायर ये जोड़ो ये घटाओ जब भी अपने पास ऐसा आ जाए ओरिजिनल आकृति का एरिया लिख लिया जो काटकर बाहर निकाला उसका एरिया लिख लिया लेकिन ऊपर से एक सर्किल बाहर जाएगा एक सर्किल बाहर जाएगा नीचे गड्ढा बच जाएगा तो गड्ढे का एरिया टू पाई आर वो तो जोड़ दिया जो बाहर गया वो माइनस कर दिया तो ये हो गया सिक्स ए स्क्वायर और ये अपने पास अपने पास अपने पास हो गया पाई अपने अपने पर का मान होगा एल स्क्वायर अपॉन फोर तो ये मुझे बताइए क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या टू क्यों बचेगा ए ही बचेगा दो में से एक घटाओगे तो एक ही तो बचेगा तो ये अपने पास कितना होगा यहां से ए भी अपने पास ध्यान रखना एल ही है तो यहां से एल स्क्वायर अगर बाहर निकालते हो आप लोग तो एल स्क्वायर तो अंदर बचेगा चौबीस प्लस अपने पास पाई अपॉन अपने पास फोर ये अपने पास बच जाएगा तो मुझे ये बताइए फोर को भी इधर ले आए खिसका के ऑप्शन आ जाएगा ए बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या तो कितनी भी आकृतियां काटकर भार बाहर निकाले किसी क्यूब के साइड के कोने से ये वो कुछ भी बाहर निकाले ये चीजें ये कॉन्सेप्ट होता है और इस टाइम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है तो मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का फटाफट जिसको आता है वो बिना पेन चलाए करेगा जिसको नहीं आता ये कॉन्सेप्ट वो पेन चलाकर भी नहीं कर पाएगा चलिए मुझे बताने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू क्या छह आंसर आज का है क्या बिल्कुल ठीक है ध्यान रखना कभी भी अगर ए प्लस बी बराबर यदि अपने पास फोर्टी फाइव डिग्री हो तो याद रखना वन प्लस टेन ए और वन प्लस टेन बी का जो मान होता है वो वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास दो होगी याद रखना ये अपने पास इन दोनों को एड करने पर अगर फोर्टी फाइव डिग्री हो तेरह और बत्तीस दोनों को ऐड करने पर पैंतालीस हो रहा है तो इसका मान दो होगा बीस और पच्चीस को ऐड करने पर पैंतालीस हो रहा है तो इसकी वैल्यू दो होगी सत्ताईस और अठारह को ऐड करने पर पैंतालीस डिग्री दो होगी तो आंसर कितना आ गया छः ये अपने पास आंसर है अगर कोई बच्चा जानना चाह रहा है दो या दो बिल्कुल ठीक है दोनों में से एक हो सकता है ऐसा क्यों होता है सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि a प्लस बी बराबर अगर आपके पास 45 है तो दोनों तरफ आप लोग टेन लगा दीजिए इधर भी और उधर भी फोर्टी फाइव से पहले भी हम लोग टेन लगा देते हैं तो बताओ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन, टेन, टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी बराबर टेन फोर्टी फाइव का मान वन है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टेन ए प्लस टेन बी बराबर हो जाएगा अपने पास वन माइनस टेन ए टेन बी और ये यहां से अपने पास माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो टेन ए प्लस अपने पास टेन बी प्लस अपने पास टेन ए टेन बी बराबर कितना होगा टेन ए टेन बी बराबर अपने पास कितना होगा वन दोनों तरफ आप लोग वन ऐड करोगे इधर भी वन ऐड कर दोगे इधर भी वन ऐड कर दोगे तो अपने पास बराबर में तो जाएगा दो और इसको अगर सोल्व करोगे इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है टेन ए तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस टेन बी आगे अपने पास क्या बचा टेन बी प्लस अपने पास वन बचा तो फिर से अगर कॉमन लोगे तो अपने पास यही फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा जो मैंने यहाँ पर बनाया है वन प्लस टेन है टेन भी दोनों जगह से बाहर लोगे तो यहाँ टेन है बचेगा वहां पर वन बचेगा उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी हमारी स्क्रीन पर यह रहा चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग नाइनटी नंबर कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 93 थ्री करने की लगाइए दिमाग कोशिश कीजिए ऐसा ही होगा एग्जाम में थोड़ा टाइम आपको लगेगा अचानक दिमाग में आएगा कि कैसे करूं क्या है क्या नहीं है लेकिन कोशिश तो आप लोगों को करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के दिलकोश मीना कांशराज का डी बाकी लोग भी भाई सोल्व कीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी बीस टू ए सी डी इज द पॉइंट ऑन साइड ए सी सच दैट ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी मैं समझाता हूं ध्यान से समझना एक ट्राइंगल ए बी और सी है यहाँ पर ये लीजिए इसकी साइड ए बी बराबर ए सी है बिल्कुल ठीक है डी इज द पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी डी टू अपने पास यहां से बी सी है ये अपने पास यहां से बी से डी तक की जो साइड है ये वाली ये अपने पास बराबर है बी से सी तक और यहां पर ab 17.5 ये 17.5 अगर है अपने पास यहाँ पर तो ab ac गिवन है तो ये भी 17.5 होगा टोटल और ये अगर dd का मान अपने पास bc का मान अगर सात है तो ये अगर सेवन है तो ये भी अपने पास सेवन होगा क्या ये जो भी अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका मैंने डायग्राम बना लिया है क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या बताओ मुझे अब अगर अपने पास दो साइड कभी भी बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसके सामने का कोण ये अगर थीटा होगा तो इसके सामने का ये कोण भी कितना होगा थीटा तो ट्राइंगल एंगल बताइए तो तीसरा एंगल होगा थीटा मुझे आप लोग एक बात बताओ ये दोनों साइड सत्रह पॉइंट पांच और सत्रह पॉइंट पांच है बड़े वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो फिर क्योंकि सत्रह पॉइंट पांच है तो ये पूरा कोण ये भी थीटा होगा ये ये थीटा थीटा है, ये थीटा है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये कितना बचा वन एटी माइनस टू थीटा, देखिए दोनों दोनों हो गए ये आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार खुद का दिमाग नहीं चलाओगे तब तक एग्जाम में भी फिर आप फंसते हो तो यहां पर मुझे ये बताइए इसके सामने वाली साइड सी डी को अगर मैं एक बार पी मानू

पांच से अपने पास कट जाएगा फोर्टीन पॉइंट फाइव तो आंसर टू पॉइंट एट ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन कौन सा गया सी ये हमारा आंसर है बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे ये अपना आंसर आ गया तो बढ़िया क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जरूर करने की कोशिश कीजिए भाई तो आप लोग क्योंकि आसान क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे एग्जाम में आते हैं फिर वहां पर लेकिन वो क्वेश्चन अचानक बड़ा हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा ये आसान क्वेश्चन है ये सभी आप लोग कर पाओगे पिछले का तो मुझे पता था आसान है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फंसेंगे लेकिन यहां पर नहीं नहीं जयपुर में पढ़ाता हूं भाई मैं ऑफलाइन ओनली ये आप लोग सभी लोग कर लोगे इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं त्रिभुज ए बी सी की B, को तक गया। एक A, और है बी है, है और सी है इसको डी तक हम लोगों ने बढ़ाया और यहां पर क्या है ए सी डीवल टू वन हंड्रेड ट्वेल्व और बी ए सी बी ए बराबर थ्री फोर्थ हो तो बी ए सी का मान अगर आप लोग बी ए सी का मान अगर आप लोग थीटा सोचते हो इसकी जगह अगर मैं थीटा रखू तो मुझे बताओ सी बी ए की जगह क्या थ्री बाई फोर थीटा आएगा क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा और मुझे ये बताइए आप लोग यहाँ से एक्सटीरियर जो एंगल होता है भाई ये जो कोण होता है वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या थ्री बाई फोर थीटा प्लस थीटा इक्वस टू वन हंड्रेड ट्वेल्व अगर है तो सेवन थीटा अपॉन फोर 112 है सात से सोलह बार तो थीटा का मान 64 आ गया है क्या कौन सा एंगल पूछा है सी बी ए ये भाई यही वाला एंगल पूछा है थ्री बाई फोर इन अपने पास 64 तो चार से कट गया सोलह बार और आंसर कितना आ गया 48 ये अपना आंसर होगा हो। बोलिए ठीक है क्या तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सभी ने ही सोल्व कर लिया होगा इस वाले क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लो बहुत सारे बच्चे तो कर पाएंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा कर पाएगा जिसका स्टेटिक्स नहीं पढ़ा पता होगा नहीं कर पाएगा ये चीज जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कब पढ़ाऊंगा चार तारीख से जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेटिक्स पूरी मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से कहीं एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इतना सही तरीके से मैं पढ़ा दूंगा तो ध्यान रखना थ्री इंटू मीडियन ये अपने पास फॉर्मूला होता है थ्री इंटू मीडियम बराबर टू इंटू मीन प्लस अपने पास मोड ये अपने पास जो होगा थ्री इंटू अपने पास ये है का ये लीजिए बराबर दो गुना माध्य टू इंटू माध्य प्लस अपने पास यहां पर मोड को बोलते हैं हम लोग बहुलक ये चीज ध्यान रखना माध्यिका को माध्यक भी कभी, कभी कभार लिख देते हैं तो माध्यक अपने पास माध्य जो है वो 8.9 है ठीक है और अपने पास जो माध्यक है मीडियन है वो अपने पास नो है तो नाइन इंटू थ्री थ्री इंटू नाइन बराबर टू इंटू अपने पास और अपने पास यहाँ से बहुलक यानी कि मोड हम लोगों से पूछा है तो ये अपने पास क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इस चीज को आपको सोल्व तो करना पड़ेगा और अपने पास आंसर आ जाएगा जैसा बहुत सारे बच्चों ने बताया ऑप्शन नंबर अपने पास सी अभी आगे वाले मैं पांच क्वेश्चन आप लोगों के लिए डलवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड तक आप करना कल की क्लास में हम लोग 101 से शुरुआत करेंगे याद रखना क्वेश्चन नंबर 101 से कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे तो ये थी आज की क्लास पांच क्वेश्चन खुद को ही करना है भाई वो मैं नहीं करवाऊंगा कल याद रखना खुद ही करना कल की क्लास में 101 से मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा थैंक यू बाय बाय टेक केयर कल शाम को चार बजे फिर से मिलते हैं